नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक की। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, प्लास्टिक के बारे में तो सभी जानते हैं। हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक की। जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक है। हमने प्लास्टिक को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, जिंदगी की नेसेसिटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। अभी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? माइक्रोप्लास्टिक बताने के लिए आप देखेंगे मैं कुछ निवाड़ के टुकड़े कूड़ेदान से उठा के लाया हूं, साल डेढ़ साल से वहां पड़े हुए थे, और इनको मैं आपके सामने मस लूंगा और देखिए क्या निकलता है। आज बारिश हुई है, थोड़ा ये नम है लेकिन फिर भी टूट रहा है, तो थोड़ी देर में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये क्या बन रहा है। आपके सामने ये बना है, ये माइक्रोप्लास्टिक बनने का प्रथम चरण है। धीरे धीरे गर्मी, ठंडक, पानी, घर्षण, दबाव इत्यादि से ये और सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाएगा और प्लास्टिक के बेयर मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद ये छोटे जानवर खाएंगे, छोटों को बड़े खाएंगे, और ये हमारे फूड चेन में आएगा, मीट में आएगा, दूध में आएगा। इसको आप जलाने की कोशिश करेंगे, ये वातावरण में जाएगा। तो ये चीज जो है माइक्रोप्लास्टिक है, और ये चीज एक भारत में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। भारत दुनिया के 10 बड़े देशों में प्लास्टिक उत्पादन और उसके उपयोग में शामिल है। भारत वो देश का, दुनिया का चौथा देश है जहां पर प्लास्टिक का डिस्पोजल ठीक से नहीं होता। आपको बताने में मुझे एक तरीके से दुख होता है कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक के नाम से जो आपको दिखाया जाता है, जिसका लोगो ये है, ये एक भ्रामक प्रचार है। प्लास्टिक सर्कुलर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। सर्कुलर इंडस्ट्री या सर्कुलर इकोनॉमी वो होती है जिसमें आप किसी चीज को रिसाइकल करते हैं। जैसे धातुएं हैं, लोहा है, टिन है, एल्यूमिनियम है, पीतल है, तांबा इत्यादि, इसकी आप नई चीज बनाते हैं। आपकी कांच की बोतल है, कांच की बोतल को आप कई बार रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आध बार कर सकते हैं, उसके बाद जो अवशेष बचेगा वो पूरा एनवायरमेंटल लायबिलिटी बन जाता है। आज हालत यह है कि हमारी तालाब, झीलें, नदियां, समुद्र प्लास्टिक से पटे पड़े हैं और वहां के इकोसिस्टम में प्लास्टिक ने कब्जा कर रखा है। तो ये रोका कैसे जा सकता है? ये रोकने के लिए आपको बहुत बड़े अनुशासन की जरूरत है। प्लास्टिक की लॉबी और प्लास्टिक की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है, कोई 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। आप समझते हैं कि क्या उसे मेरे जैसा एक्टिविस्ट या आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जब तक कि आप खुद विचार न करें, स्वयं अनुशासन में ना रहे और प्लास्टिक को ना लाने दें घर में, तब तक ये संभव नहीं है। प्लास्टिक को प्रोपोगेट करने में पैकेजिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। पैकेजिंग इंडस्ट्री नए नए तरीके से प्लास्टिक हमारे यहाँ बेचती है। इसी तरीके से ई कॉमर्स में आप इतनी बड़ी चीज मंगाइए, उसके साथ इतनी प्लास्टिक आती है, इसका कौन निस्तारण करेगा? एक बार ये कह के देख लीजिए कि अगर आप टॉफी बेचते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं, आप टूथपेस्ट बेचते हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन बेचते हैं, तो इस प्लास्टिक जो आप वातावरण में फेंकते हैं, इसके लिए आपको लिटर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप गंदगी फैला रहे हैं, इसका टैक्स देना पड़ेगा ताकि वातावरण साफ हो। इन कंपनियों का आप उसके बाद रिस्पांस देखिएगा, वो जिम्मेदारी के साथ थोड़ा प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। कभी कभी कहा जाता है कि प्लास्टिक वेस्ट से हम बिजली बनाएंगे, प्लास्टिक वेस्ट जला के बिजली बनाएंगे। ये बहुत बड़ा फ्लॉप आइडिया है। ज्यादा से ज्यादा जो संयंत्र होते हैं वो 10 मेगावाट के होते हैं, उनसे पैदा होने वाला प्रदूषण कहाँ जाएगा, उसके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है।
और जितने भी ये लगे हैं संयंत्र जो बिजली बनाते हैं वेस्ट जला के, वो साल दो साल के बाद ठप हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, प्लास्टिक हमारे जीवन में एक असुर की तरह, एक दानव की तरह आ गया है। इसको आप प्लास्टिकासुर कह सकते हैं, जैसे भस्मासुर, बकासुर, उस तरीके से आज आप प्लास्टिकासुर कह सकते हैं। और इसको अगर कोई रोक सकता है वो आप रोक सकते हैं, और आपका अनुशासन रोक सकता है, और इसको रोकने में ना कोई इंटरेस्टेड है और ना रोक पाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लास्टिक हिंदुस्तान में कैसे रोका जा सकता है? जय हिंद, जल्द ही मिलते हैं।